हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो का मैं रिएक्शन लेके आई हूँ वो है पवन भैया के खास दोस्त दीपक सिंह का इंटरव्यू, और जिसमें वीडियो का टाइटल है पवन सिंह के दोस्त दीपक सिंह ने मोदी और उपेंद्र कुशवाहा को दिया करारा जवाब। तो एग्जैक्टली क्या बात हुई ये वीडियो देख के ही पता लगेगा। तो चलिए हम ये वीडियो देखते हैं, एंजॉय करते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें। एक पवन सिंह को हराने के लिए पांच पांच राजनेता आ रहे हैं। कल नीतीश कुमार आए, आज मोदी जी आए, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं और अमित शाह आ रहे हैं। भाजपा के इतने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, मतलब हैंडल कर पाइएगा आप लोग? ये हैंडल क्या करना है, हैंडल काराकाट की जनता करती है, काराकाट के लोग कर रहे हैं, हम लोग क्या हैंडल करेंगे। यहाँ पे कम से कम हमारा पहला ये था कि काराकाट को लोग कम से कम ये लोग जाने कि काराकाट भी एक लोकसभा है और वहाँ आना पड़ रहा है। काराकाट की जनता इस बार ठान लिया है कि जो हमको रिजल्ट, जो हमको अच्छा काम करेगा, जो भी बेहतर काम करेगा, इस बार परिवर्तन के मूड में है और पूरी तरह से पूरा काराकाट लोकसभा पवनमय हो चुका है। किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ अपने बच्चे के बारे में मत सोचिए कि आपका बेटा ही, आपका परिवार ही सबसे बड़ा चीज़ है और काराकाट की लोकसभा में जितने लोग हैं वो सब लफुआ और खराब तरह के मतलब कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये आपका भूल है। काराकाट की जनता इस बार अपना शक्ति और अस्तित्व दिखाएगी कि अगर कहीं भी काराकाट की जनता ही ये डिसाइड करेगी। जब पवन सिंह जीत करके सदन में जाएंगे तो 500 जितने भी सांसद 542 है, 43 है, जो भी है, जा करके लोग पीछे घूम करके देखेंगे कि ये कौन आ रहा है जिसको काराकाट की जनता ने जिताया है। और काराकाट पूरी इंडस्ट्री के लोग जो भी हैं उनको ये लगा कि एक शेर अकेला जाके काराकाट में दहाड़ रहा है, उसको चारों तरफ से लोग मारने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काराकाट की जनता चारों तरफ से घेर करके कवच का काम कर रही है। सारे लोग अपने पैसा लगा करके अपने भाड़े से पवन सिंह को सपोर्ट करने के लिए काराकाट आए हैं कि पवन सिंह को सपोर्ट करें, और सारे लोग अपने मर्जी से आए हैं, अपना पैसा लगा कर करें, अपना खर्चा करके सारे लोग आए हैं। कम से कम ये हो गया कि पवन जी ने एक बात बोला कि फिल्म सिटी, छोटा मिनी फिल्म सिटी बनाएंगे। कम से कम फिल्म सिटी तो जीतेंगे तो बनेगा, उसके पहले ही सारी इंडस्ट्री काराकाट में आ गई है, बहुत बड़ी बात। तो इस वक्त देख सकते हैं कि गोड़ाड़ी में अभी जनसंपर्क था और सारे सुपरस्टार आए थे, चाहे वो पवन सिंह जी हो, चाहे वो काजल अगवानी हो, चाहे तमाम कलाकार हो, सारे सुपरस्टार एक्टर एक्ट्रेस आए हुए थे। और अभी हमारे साथ दीपक सिंह जी मौजूद हैं, पावर स्टार पवन सिंह जी के दोस्त हैं, अजीज हैं। तो इनसे पहले पहले तो इनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत बढ़िया। इतना प्यार दुलार आशीर्वाद मिल रहा है काराकाट में, हम लोग का दिन प्रतिदिन मनोबल बढ़ता जा रहा है और काफी अंदर से हम लोग उत्साहित हैं 4 तारीख रिजल्ट के लिए। एक तरफ मोदी आए हैं और दूसरे तरफ पावर स्टार, क्या कहेंगे? क्योंकि मोदी जी का एक, जब जहां आ जाते हैं वहां हवा चेंज कर देते हैं, लेकिन पवन सिंह जी भी किसी से कम नहीं है, वो भी जहां चलते हैं वहां हवा की तरफ लेके चले जाते हैं। तो कैसे देखते हैं? यहां पे काराकाट जनता का आशीर्वाद है और मुझे लगता है कि पवन सिंह को काराकाट ने अपना बेटा मान लिया है और बेटे के प्यार के लिए हर किसी को अपने बेटे की तरफ आकर्षण ज़्यादा होता है। तो हर माता बहन, भाई ने भाई माना है, बहन ने इनको भाई माना है, तो हर लोग का अट्रैक्शन अपने बेटे की तरफ है। तो मुझे लगता है कि पूरे काराकाट लोकसभा के लोग आज अपने बेटे को आशीर्वाद और प्यार देने के लिए यहाँ आए थे। एक पवन सिंह को हराने के लिए पांच पांच राजनेता आ रहे हैं। कल नीतीश कुमार आए, आज मोदी जी आए, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं और अमित शाह आ रहे हैं। भाजपा के इतने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, ये मतलब हैंडल कर पाइएगा आप लोग? ये हैंडल क्या करना है, हैंडल काराकाट की जनता करती है, काराकाट के लोग कर रहे हैं, हम लोग क्या हैंडल करेंगे। यहाँ पे कम से कम हमारा पहला ये था कि काराकाट को लोग कम से कम ये लोग जाने कि काराकाट भी एक लोकसभा है और वहाँ आना पड़ रहा है। काराकाट की जनता इस बार ठान लिया है कि जो हमको रिजल्ट, जो हमको अच्छा काम करेगा, जो भी बेहतर काम करेगा, इस बार परिवर्तन के मूड में है और पूरी तरह से पूरा काराकाट लोकसभा पवनमय हो चुका है। किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल नहीं। काराकाट की जनता ने पवनमय कर दिया है, उन लोगों ने बेटा को अपना नेता बांध लिया है, तो हम मुझे नहीं लगता कि फर्क पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा तो कह रहे हैं ग्लैमर की दुनिया से पवन सिंह जी आए हैं और 18 से 25 साल के लोग लफुआ कहे जा रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा का या तो थोड़ा सा दिमाग हिल गया, क्योंकि 18 से 25 साल के युवा आज के दौर में देश के शक्ति बन गए हैं और उनको लफुआ कहा जा रहा है, तो कैसे देखते हैं आप लोग? पवन जी एक बात बोलते हैं कि परिवर्तन नौजवानों ने ही किया था, किया है और करेंगे। बिल्कुल, अगर उनके नज़र में सिर्फ उनका ही बच्चा बहुत बड़ा संत महाराज है और बाकी जितने काराकाट लोकसभा के बच्चे हैं उनके लिए लफुआ है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे सबका यूज उनको नहीं करना चाहिए। अपने बच्चे की तरह ही अगर आपको काराकाट की जनता ने मंत्री बनवाया, लोकसभा जिताया, तो काराकाट के हर एक बच्चे को अपना बच्चा समझिए। सिर्फ अपने बच्चे के बारे में मत सोचिए कि आपका बेटा ही, आपका परिवार ही सबसे बड़ा चीज़ है और काराकाट की लोकसभा में जितने लोग हैं वो सब लफुआ और खराब तरह के मतलब कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये आपका भूल है। काराकाट की जनता इस बार अपना शक्ति और अस्तित्व दिखाएगी कि अगर
कहीं भी काराकाट की जनता ही ये डिसाइड करेगी। जब पवन सिंह जीत करके सदन में जाएंगे तब 500 जितने भी सांसद 542 है 43 है जो भी है जा करके लोग पीछे घूम करके देखेंगे कि ये कौन आ रहा है जिसको काराकाट की जनता ने जिताया है। और काराकाट की जनता इस बार जवाब देगी कि अगर हमको किसी भी तरह का किसी को थोपेंगे तो हम लोग उसको बर्दाश्त करने वाले नहीं है। आज काराकाट से ही आवाज़ निकलेगा और पूरे इंडिया में कम से कम टिकट बंटवारे में सही तरीका सतर्कता बढ़ती जाएगी और टिकट बंटवारे सही तरीके से होगा। वैसे आदमी को टिकट दिया जाएगा जो काम करेगा, जो काम नहीं करेगा उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। ये काराकाट की जनता यहाँ से मिसाल लिखने जा रही है इस बार। आज पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री आपके साथ है, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री जोर लगा दिया है पवन सिंह जी को जिताने के लिए और भोजपुरी ने परचम लहरा दिया है कि हाँ हम परिवार के हैं और परिवार आपके साथ है। तो पवन सिंह को कितना अच्छा लग रहा है, आपको कितना अच्छा लग बता रहे हैं? सारे भोजपुरी इंडस्ट्री एक परिवार है, सारे लोग एक परिवार के तरह हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग जो भी हैं उनको ये लगा कि एक शेर अकेला जाके काराकाट में दहाड़ रहा है, उसको चारों तरफ से लोग मारने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन काराकाट की जनता चारों तरफ से घेर करके कवच का काम कर रही है। सारे लोग अपने पैसा लगा करके अपने भाड़े से पवन सिंह को सपोर्ट करने के लिए काराकाट आए हैं कि पवन सिंह को सपोर्ट करें और सारे लोग अपने मर्जी से आए हैं, अपना पैसा लगा कर करें अपना खर्चा करके सारे लोग आए हैं। कम से कम ये हो गया कि पवन जी ने एक बात बोला कि फिल्म सिटी छोटा मिनी फिल्म सिटी बनाएंगे, कम से कम फिल्म सिटी तो जीतेंगे तो बनेगा, उसके पहले ही सारी इंडस्ट्री काराकाट में आ गई है, बहुत बड़ी बात। 5-6 दिन बचा है चुनाव का, कैसा तैयारी चल रहा है? क्योंकि सबसे ज्यादा यदि किसी पे प्रेशर है तो वो पवन सिंह पे ही है क्योंकि वो निर्दलीय, कोई दल नहीं है उनके साथ, तो कितना प्रेशर है चुनाव को लेकर, कैसे देख रहे हैं आप? पवन सिंह निर्दलीय है लेकिन सर्वदलीय है, सारे दल के लोग पहली बार काराकाट से जाति पाति से ऊपर उठ करके वोटिंग होगा और सारे दल को लोग मिल करके पवन सिंह को जिता रहे हैं। कहीं भी दल वल वाली बात नहीं है, पवन सिंह एक सर्वदलीय नेता है और सर्वदलीय नेता बन के रहेंगे और काराकाट की जनता जो डिसाइड करेगी वही भविष्य में भी करेंगे। तो ये थे हमारे साथ भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी के अजीत दोस्त। तो जी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी पहले तो मुझे ये बता दे। और दीपक भैया बहुत, मैंने मतलब अभी इनकी आवाज़ सुनी है, अभी जो इनके इंटरव्यू, इससे पहले मैंने इनके कोई आवाज़ भी नहीं सुनी थी, इन्होंने बहुत अच्छे से इंटरव्यू दिया, हर बात के इन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। और जब बात चल रही थी कि सारी भोजपुरी इंडस्ट्री साथ मिलके एक घर की तरह आपको सपोर्ट कर रही है, उनके चेहरे पे जो मुस्कान आई थी वो बहुत अच्छी लगी क्योंकि उनको भी पता है कि डीप डाउन कि सारी इंडस्ट्री उनका सपोर्ट कर रही है, कोई खर्चा नहीं पवन भैया उनको उठा रहे हैं, अपने खर्चे से वो खुद आ रहे हैं, खुद सपोर्ट करें पवन भैया को, बिना बुलाए खुद आ रहे हैं वो, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और ये भी एक मिसाल होने वाली है कि लोग जाति धर्म से उठ के एक ऐसे बंदे को टिकट दिला रहे हैं जिनसे उनको उम्मीद है कि हाँ यहाँ पे अब ये विकास कराएंगे, जिनका कोई दल भी नहीं है लेकिन उनको पूरा यकीन है कि ये ही विकास करवाएंगे ही करवाएंगे। तो इन्होंने बीजेपी के बारे में कुछ नहीं बोला, मोदी जी के बारे में कुछ नहीं बोला, जो फैक्ट्स थे वही बोले हैं। तो मुझे वीडियो अच्छी लगी, आप लोग कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।